आइए प्रोजेक्शन रूल प्रूव करते हैं। ट्रायंगल के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि एक साइड को ए वेक्टर मान लो, एक साइड को बी वेक्टर मान लो, एक साइड को सी वेक्टर मान लो। ट्रायंगल को अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर मान लेते हो तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर में क्या रिलेशन है, ध्यान से सुने। ट्रायंगल की साइड्स को हम लाइन वेक्टर मान लेते हैं, ट्रायंगल की एक साइड को लाइन वेक्टर ए मान लेते हैं, ट्रायंगल की दूसरी साइड को लाइन वेक्टर बी मान लेते हैं और ट्रायंगल की तीसरी साइड को लाइन वेक्टर सी मान लेते हैं। लेकिन ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, ये डिसाइड होता है, ये पता लगता है जब आप इन साइड्स की डायरेक्शन लेते हैं। वैसे सबसे बढ़िया जो मुझे रिश्ता पसंद है वो ये पसंद है कि यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, लौट के बुद्धू घर को आ गए। यानी कहने का मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो, ये बेस्ट रिलेशन है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो। आइए प्रोजेक्शन रूल प्रूव करना है। करोड़ों तरीके हैं प्रोजेक्शन रूल प्रूव करने के, वापस से यहाँ बताऊंगा। इस साइड की लेंथ ए है, इसके अपोजिट एंगल को स्टैंडर्ड नोटेशन से ए मान लेना। इस साइड की लेंथ बी है, इसके अपोजिट एंगल को स्टैंडर्ड नोटेशन से बी मान लेना। और इस साइड की लेंथ चूंकि सी है, इसके अपोजिट एंगल को स्टैंडर्ड नोटेशन से सी मान लेना। बिकॉज जो एसओटी के सारे फॉर्मूले हैं उसमें कैपिटल ए के अपोजिट की लेंथ स्मॉल ए, कैपिटल बी के अपोजिट की लेंथ स्मॉल बी और कैपिटल सी के अपोजिट की लेंथ स्मॉल सी होती है। ओके, ए प्लस बी प्लस सी जीरो है। अब इसका डॉट ए के साथ ले लो, बी के साथ ले लो, सी के साथ ले लो, जिसके साथ पसंद हो उसके साथ ले लो। इसका डॉट ले लीजिए ए के साथ, तो यहाँ आएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इक्वल जीरो। ए डॉट ए लेंथ ए का स्क्वायर बन जाएगा, ए डॉट बी ए बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर इमर्जिंग रेस की तरह देखेंगे तो इनके बीच के एंगल पाई माइनस सी आएगा। ध्यान रखना जब भी वेक्टर के बीच में एंगल देखने होते हैं तो हम वेक्टर के इमर्जिंग रेस के बीच में एंगल देखते हैं। कैसे? इमर्जिंग रेस के बीच में। तो यहाँ पर देखिए, अगर ए वेक्टर को आप ऐसे आगे बढ़ा देंगे तो ये होगा इमर्जिंग रेस ए और बी के बीच में एंगल, प्लस ए का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। ए वेक्टर और सी वेक्टर में सी वेक्टर को पहले इमर्जिंग रेस की तरह बनाएंगे तो ये आ जाएगा पाई माइनस बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी कॉस सी माइनस ए सी कॉस बी इक्वल टू जीरो। ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी कॉस सी प्लस ए सी कॉस बी। ए से डिवाइड कर दें तो इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं इसे, ए इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। यही कहलाता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ऐसे ही जैसे मैंने डॉट ए के साथ लिया, अब डॉट एक बार बी के साथ लीजिए और डॉट एक बार सी के साथ लीजिए, अलग 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 फॉर्मूले आते चले जाएंगे। आइए एक और क्वेश्चन करें, सवाल तो बहुत सारे करने हैं। और छोटा सा एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कुछ कर सकते हैं कि नहीं। एक छोटा क्वेश्चन करते हैं। शो दैट द कॉमन कॉर्ड, शो दैट द कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल्स इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ सर्कल्स। चलिए छोटे छोटे ज्योमेट्री के रिजल्ट करते हैं। देखो वेक्टर बेसिकली ज्योमेट्री ही है, वेक्टर बनाया ही इसलिए गया है ताकि थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को सॉल्व कर सके। एक्चुअली टू डायमेंशनल ज्योमेट्री तो इजीली सॉल्व हो जाती है एक्स वाई में, लेकिन जो थ्री डी ज्योमेट्री वो तीन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम मान के ढंग से होती नहीं थी, इसीलिए वेक्टर की उत्पत्ति हुई। चलिए अच्छा, शो दैट द कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्किल। हमको साबित करना है कि जो दो सर्किल्स होते हैं, इन दोनों सर्किल्स की जो कॉमन कॉर्ड होती है वो सेंटर्स को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होती है। ये रहा एक का सेंटर और ये रहा दूसरे का सेंटर। ज्योमेट्री का कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए तो अपन एक पॉइंट को ओरिजिन लेते ही लेते हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन ले लेते हैं, इस पॉइंट को ए वेक्टर ले लेते हैं, एक इंटरसेक्शन पॉइंट को हम बी वेक्टर ले लेते हैं और दूसरे इंटरसेक्शन पॉइंट को सी वेक्टर ले लेते हैं। तो कॉमन एक पॉइंट को ओरिजिन ले लिया, दूसरे सर्किल के सेंटर को ए वेक्टर ले लिया, एक इंटरसेक्शन पॉइंट को बी वेक्टर ले लिया और एक इंटरसेक्शन पॉइंट को सी वेक्टर ले लिया। अब आइए पहले ज्योमेट्रिकल रिलेशन लिखें। बी वेक्टर और सी वेक्टर इस सर्किल के ऊपर भी लाई करते हैं और बी वेक्टर और सी वेक्टर इस सर्किल के ऊपर भी लाई करते हैं।
तो बी वेक्टर की जितनी दूरी ओरिजिन से होगी उतनी दूरी सी वेक्टर की ओरिजिन से होगी, यानी मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर माइनस ओरिजिन विल बी सेम एज मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर माइनस ओरिजिन, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। उसी प्रकार से ए वेक्टर से जितनी दूरी बी वेक्टर की होगी ए वेक्टर से उतनी दूरी सी वेक्टर की होगी, अपन लिख सकते हैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मॉड इज सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मॉड। अब आपको एक लेटेस्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं, मॉड दिखे स्क्वायर करो। वेक्टर और कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टैंडर्ड ट्रिक है, मॉड दिखे स्क्वायर करो, क्योंकि अलजेब्रा जैसा मॉड नहीं है कि आप इसको डिफाइन कर लो, क्योंकि यहां मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड है, यहां बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मतलब बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर और ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर की बीच की दूरी। यहां ऐसा नहीं है कि ए बी से बड़ा हो गया तो ए माइनस बी कर दिया, बी माइनस, नहीं, यहां मॉडुलस का मतलब वो है ही नहीं। यहां पर मॉड का मतलब है दूरी, दूरी, दूरी। तो ये बी और ए के बीच की दूरी बराबर है सी और ए के बीच की दूरी, तो यहां मॉड मतलब दूरी। तो वेक्टर और कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा गुरु मंत्र है मॉड दिखे स्क्वायर करो, मॉड दिखे स्क्वायर करो, मॉड दिखे स्क्वायर करो। आज इसी मंत्र का 108 बार जाप करना है, मॉड दिखे स्क्वायर करो। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ए डॉट बी, और यहां पर इसका स्क्वायर करेंगे तो सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस टू टाइम्स सी डॉट ए। कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। ए वेक्टर से ए वेक्टर कट जाएगा और देखिए बी वेक्टर से सी वेक्टर कट जाएगा, क्योंकि बी और सी का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो एक रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो यहां से एक रिश्ता निकल के आया कि ए डॉट बी इज सेम एज ए डॉट सी। तो हमारे पास दो रिलेशन आ गए, एक रिलेशन दो रिलेशन। इससे पहले मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं मैंने ज्योमेट्री से सारे रिलेशन निकाल लिए। कभी भी जीवन में ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आए तो एक पॉइंट को ओरिजिन मानना ही चाहिए, उससे थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है। ओके, अब मुझे साबित करना है कि ये वाला जो वेक्टर है वो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। मुझे साबित करना है कि ये वेक्टर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। दो वेक्टर को परपेंडिकुलर साबित करना बहुत ईजी है, डॉट प्रोडक्ट अगर उनका जीरो हो जाए दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ओरिजिन इसको कंसिडर करते हैं, यानी बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी बी डॉट ए माइनस तेरी, बी डॉट ए और सी डॉट ए तो बराबर है जीरो कहना ही पड़ेगा मुझे, हैंस पार्टी। तो हमने साबित कर दिया कि कॉमन कॉर्ड जो दो सर्किल्स की होती हैं वो हमेशा सेंटर को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होती है। ऐसा नहीं कि हमको नहीं पता है, हमको पता है, लेकिन मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि वेक्टर से कैसे अपन लोग मूव करेंगे। जब भी वेक्टर से कोई भी क्वेश्चन करना है तो एक पॉइंट को ओरिजिन मानना ही मानना है, और फंडामेंटल जो रिजल्ट प्रूव करना है उसके पहले ज्योमेट्री से रिजल्ट निकाल लो, उन्हीं से वो चीज प्रूव होगी। कॉपी कर लीजिए। इसके पहले अब सब बच्चे इधर आ जाएं। आइए एक और सवाल लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है शो दैट एंगल इन अ सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। साबित करना है तो हमको पता ही है, आइए इसको साबित करें। शो दैट एंगल इन अ सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। लेट अस ट्राई टू प्रूव दैट द एंगल इन अ सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। चलो कोशिश करते हैं, लेट अस सी। एक सेमी सर्किल हम लोग ले लेते हैं, यस, एक सेमी सर्किल ले लिया, इसके सेंटर को हम लोग ओरिजिन कह देते हैं। अगर सेंटर ओरिजिन हो गया तो ये अगर कौन है दमे का मरीज, ये ए वेक्टर और ये माइनस ए वेक्टर। देखो बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे, अगर ये पॉइंट सेंटर को हमने ओरिजिन ले लिया और इसका ये एंड अगर ए वेक्टर हो गया तो ऑटोमेटिकली ये एंड माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का मिड पॉइंट ओरिजिन आना चाहिए। अच्छा, सर्कमफ्रेंस के ऊपर कोई भी जनरल पॉइंट बी वेक्टर ले लो। अब सर्कमफ्रेंस के ऊपर कोई भी जनरल पॉइंट हमने बी वेक्टर ले लिया, मुझे साबित करना है कि एंगल इन अ सेमी सर्किल 90 डिग्री है। मुझे साबित करना है कि एंगल इन अ सेमी सर्किल 90 डिग्री है, सेमी सर्किल का एंगल 90 डिग्री, ये मुझे प्रूव करना है। तो चलो एक वेक्टर ऐसा बना लेते हैं, एक वेक्टर ऐसा बना लेते हैं। अच्छा एक बात और, इससे पहले हम ये प्रूव करें एक और चीज बढ़िया सी, कि ऑब्वियस सी बात है कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर
विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। बी वेक्टर और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा क्योंकि बी वेक्टर भी सरकमफ्रेंस पर है, तो जितनी दूरी बी वेक्टर की सेंटर से ओरिजिन से होगी उतनी दूरी ए वेक्टर की भी सेंटर से होगी। चलिए अच्छा, अब मुझे साबित करना है इनका डॉट प्रोडक्ट, इसको लिखूंगा तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ये हो जाएगा बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए, अरे जीरो, ये तो बहुत ज्यादा ही आसानी से हो गया, हैंस पार्टी। आइए एक और छोटा सा क्वेश्चन करें और खुशी मनाएं। एक और छोटा सा क्वेश्चन कहता है शो दैट डायगोनल्स इन अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर। साबित करना है कि डायगोनल्स इन अ रोम्बस परपेंडिकुलर होते हैं। अब देखो रोम्बस कोई खास बात नहीं है, अगर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड बराबर हो जाए तो रोम्बस बन जाता है। चलिए एक छोटा सा पैरेललोग्राम बनाते हैं, उसकी अगर दो एडजेसेंट साइड हम बराबर कर दें तो रोम्बस बन जाता है। इस साइड को ए वेक्टर कह देते हैं, इस साइड को बी वेक्टर कह देते हैं। अब अगर इस साइड को ए वेक्टर कह दिया, इस साइड को बी वेक्टर कह दिया, तो ये चीज रोम्बस होगी। अगर ये चीज रोम्बस है तो इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बराबर होगा। अगर ये चीज रोम्बस है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर आपस में बराबर होगा। अच्छा एक बात और, इसके डायगोनल्स को परपेंडिकुलर दिखाना है तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन की मदद से जो एक डायगोनल आएगा वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ जाएगा और जो दूसरा डायगोनल आएगा वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आ जाएगा। मुझे साबित करना है कि ये परपेंडिकुलर है। अब दो चीजों को परपेंडिकुलर दिखाना डॉट प्रोडक्ट में सबसे आसान काम है। अगर दो चीजें परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, खुश हो जाइए। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ये चीज आ जाएगी ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर, और ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर है चूंकि रोम्बस है, जीरो कहना ही पड़ेगा मुझको, हैंस पार्टी। कॉपी कर लीजिए, सवाल देखने होते हैं पहले, मामला सेट है बिल्कुल। अरे रे रे रे, अरे रे रे, छोटा नहीं इसको। हाँ आइए और सवाल देखेंगे, सब बच्चे ध्यान देंगे। आइए एक और क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन कहता है फाइंड एंगल्स बिटवीन बॉडी डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब। एक क्यूब है, उसके बॉडी डायगोनल्स के बीच में एंगल निकालना है। चलिए क्यूब के बॉडी डायगोनल्स के बीच में एंगल निकालने की भरसक चेष्टा की जाए। यहां पर अपन क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भर भर के इस्तेमाल करते हैं। आपको धीरे धीरे यही समझना है कि कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को वेक्टर के साथ मिक्स किया जा सकता है। एक्स वाई जेड, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आई, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर वेक्टर आया, एक्स यानी आई कैप वाई जे कैप। हम जो हमारा क्यूब है उसको बहुत बढ़िया तरीके से प्लेस करेंगे, उसको बहुत बढ़िया तरीके से रखेंगे। ये देखिए हम हमारे क्यूब को बिल्कुल ऐसे इस्टेब्लिश करते हैं, यहां पर और यहां पर, बिल्कुल ओरिजिन पर हमारे क्यूब को हम रख देते हैं। ये देखिए हमने हमारे क्यूब को एग्जैक्टली एट ओरिजिन प्लेस कर दिया है। इसका बेहतरीन बेनिफिट, फ्लोरोसेंट ब्लू ले लेते हैं, हाँ चल जाएगा। चलिए इसका बेनिफिट क्या हुआ कि इसका एक वर्टेक्स ये 0,0,0 आ गया, ये वाला पॉइंट 1,0,0 आ गया, ये वाला पॉइंट 0,1,0 नहीं साफ दिखाई पड़ रहा है, ये वाला पॉइंट 0,0,A आ गया, तो ये वाला पॉइंट 1,1,0 आ गया, ये वाला पॉइंट 0,1,A आ गया, ये वाला पॉइंट वाई जीरो 1,0,A आ गया, और ये वाला पॉइंट 1,1,A आ गया। ये लीजिए सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये जीरो है, ओके। आइए अब जो है इसके कोई दो बॉडी डायगोनल सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट अस सेलेक्ट एनी टू बॉडी डायगोनल्स, कोई दो बॉडी डायगोनल पर ले लेते हैं। लेट अस सेलेक्ट, कोई दो बॉडी डायगोनल ले लेते हैं, कोई भी दो बॉडी डायगोनल ले लीजिए। मान लीजिए एक बॉडी डायगोनल ये ले लेते हैं
और एक बॉडी डायगोनल ये ले लेते हैं। ऐसे हम लोग दो बॉडी डायगोनल ले लेते हैं। तो एक बॉडी डायगोनल को हम लोग बी वेक्टर कह देते हैं और दूसरे बॉडी डायगोनल को हम लोग सी वेक्टर कह देते हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर अब आप बी वेक्टर लिखेंगे तो बी वेक्टर कितना आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप, ये बी वेक्टर आ गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भयंकर इस्तेमाल से फायदा हुआ। अगर आप सी वेक्टर लिखेंगे तो सी वेक्टर आएगा ए आई कैप माइनस ए जे कैप प्लस ए के कैप, ये लीजिए फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब की बार जब आप थीटा निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये वाला थीटा प्राप्त होगा एमर्जिंग रेस के बीच में। तो कॉस थीटा बड़े प्रेम से लिख सकते हैं बी डॉट सी अपॉन मॉड बी इंटू मॉड सी, ये निकल के आएगा बी डॉट सी अपॉन मॉड बी मॉड सी। तो बी डॉट सी की अगर बात करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मॉड बी की बात करेंगे और रूट थ्री ए, मॉड सी की बात करेंगे और रूट थ्री ए। तो कॉस थीटा निकल के आ गया 1/3, यानी बहुत प्रेम पूर्वक कॉस इनवर्स 1/3, ये लीजिए। देखो इसका बेनिफिट देखिए, अगर इसी को अभी 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निकालना होता तो ट्रायंगल बनाते पागल हो जाते, लेकिन यहाँ पर इनकी लेंथ निकालते सब, लेकिन वेक्टर से कितनी आसानी से। तो हमने बड़े आराम से निकाल लिया फाइंड एंगल बिटवीन बॉडी डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब। तो बॉडी डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब के बीच में थीटा होता है कॉस इनवर्स 1/3, कॉपी कर लीजिए MP1। आप बोलेंगे MP1 क्या है, MP1 का मतलब है मास्टर प्रॉब्लम 1। इसके अंदर, इस वेक्टर के चैप्टर के अंदर कुल मिला के 8 मास्टर प्रॉब्लम्स हैं। मास्टर प्रॉब्लम का मतलब वो नहीं है जो मास्टर जी को करके दिखानी है, मास्टर प्रॉब्लम वो हैं कि जिनको अगर आप समझ जाएं तो आपको वेक्टर के चैप्टर में मास्टरी हो जाएगी और कभी जीवन में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप चाहेंगे कि आपका सवाल गलत हो लेकिन हो नहीं पाएगा। यह है MP1 मास्टर प्रॉब्लम 1। अब जो है 8 मास्टर प्रॉब्लम है वेक्टर के चैप्टर के अंदर, मैं एक 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 करके धीरे धीरे आपको समझाता जाऊंगा। आप सारी मास्टर प्रॉब्लम अभी नहीं आ जाएंगे, वो धीरे 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 वेक्टर के चैप्टर के अंदर आएंगी। बट ये अगर 8 मास्टर प्रॉब्लम अगर आपने रट ली, अगर ये 8 मास्टर प्रॉब्लम आपने समझ ली, तो समझ लीजिए वेक्टर का चैप्टर आपकी मुट्ठी में। चलिए मास्टर प्रॉब्लम 1 MP1। आइए इस मास्टर प्रॉब्लम की बात करते हैं। इसके अंदर आपको एक पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है और एक लाइन है 3D में जिसकी इक्वेशन बी वेक्टर प्लस लैम्डा सी वेक्टर है। एक पॉइंट गिवन है और एक लाइन गिवन है, 3D, थ्री डायमेंशन। आप मतलब ये तो वेक्टर कुछ भी नहीं है, ये तो जो है चुन्नू वेक्टर है। अगर आप गलती से मैकेनिकल इंजीनियरिंग फंस गए, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है कि थर्ड और फोर्थ जो ईयर होते हैं उसके अंदर आप अपने मन से अपने इंटरेस्ट से भी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो, और गलती से आपने जो है रॉकेट साइंस उसमें चुन ली और उसमें उसकी ट्रेजेक्ट्री निकालनी हो गई, अरे भाई साहब मजे आ जाएंगे आपके, पूरे दिमाग में चारों तरफ वेक्टर ही वेक्टर होंगे। खैर चलिए, अब सोचो थ्री डायमेंशन, एक पॉइंट और एक लाइन। आप समझ नहीं रहे 3D में कितनी दिक्कत होती है, इसीलिए इतने आराम से मिसाइल सिस्टम बनता नहीं है। ये पॉइंट, ये लाइन, ये पॉइंट और ये लाइन। अब सोचो खेलते हैं, थोड़ा थोड़ा खेलेंगे। पॉइंट गिवन है, लाइन गिवन है, पॉइंट गिवन है, लाइन गिवन है, क्या क्या पूछ सकते हैं? एक पॉइंट और लाइन से क्या क्या पूछ सकते हैं? पॉइंट से लाइन की परपेंडिकुलर दूरी बताइए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताइए, पॉइंट का लाइन में मिरर इमेज बताइए, इसको ए डैश कह देते हैं, ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन बताइए। आमतौर पर ये चार चीजें शुरुआत में पूछी जा सकती है, पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर दूरी, पॉइंट का लाइन पर अगर खींचा तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर। आइए इस पॉइंट को पी कह देते हैं, इस पॉइंट को पी डैश कह देते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को एफ कह देते हैं। पॉइंट से लाइन की परपेंडिकुलर दूरी, पॉइंट से लाइन पर खींचे गए परपेंडिकुलर का फुट ऑफ परपेंडिकुलर, पॉइंट का लाइन में मिरर इमेज, और पॉइंट से खींची गई लाइन को ऑल्टीट्यूड। ये सारी चीजें आमतौर पर पूछी जा सकती हैं, और भी एक दो चीजें लेकिन बाद में आएंगी। चलो कोशिश करें, कैसे निकलेगा भैया 3D में? अब मैं बताता हूं
आज आपको एक दोस्ती की कहानी सुनाऊंगा और सब बच्चे दोस्ती की कहानी पूरे जीवन भर याद रखेंगे। रेखा का हर सवाल का जवाब बिंदु के पास है। क्या बोला गुरुजी ने? रेखा के हर सवाल का जवाब बिंदु के पास है। रेखा के हर सवाल का जवाब बिंदु के पास है। अब सुनो, हाँ बिंदु के पास है। रेखा और बिंदु दो बहुत ही घनिष्ठ सहेलियां, लेकिन रेखा के कभी भी मन में कोई सवाल आता है तो जवाब बिंदु ही देती है। अब सुने ध्यान से, लाइन का हर क्वेश्चन लाइन पर पॉइंट मान के सॉल्व होता है। एक्चुअली 3D में लाइन की इक्वेशन कोई इक्वेशन है ही नहीं। हाँ, बेवकूफ बनाने वाली बात है। 3D में लाइन की इक्वेशन कोई इक्वेशन नहीं है। 3D में लाइन की इक्वेशन सिर्फ एक प्रपोर्शन है, तभी तो पैरामेट्रिक है वो। इट इज जस्ट अ प्रपोर्शन। अभी आगे जाके आप समझ जाएंगे अपने आप ही। अभी आप मेरी बात सुने, बस गुरु मंत्र 108 बार जपे, लाइन का कोई भी सवाल आएगा तो लाइन पर पॉइंट मान के ही होगा। लाइन का कोई भी सवाल आएगा तो लाइन पर पॉइंट मान के ही होगा। लाइन का कोई भी सवाल आएगा तो लाइन पर पॉइंट मान के ही होगा। बस समझ लो। अब सुनो मेरी बात, ये देखिए, लैम्डा की अलग अलग वैल्यू रखने पर मुझे लाइन पर अलग 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 पॉइंट मिलेंगे। अब इस लाइन की इक्वेशन मुझे दे रखी है आर वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस लैम्डा सी वेक्टर। इसका मतलब लाइन पर कहीं ना कहीं, मुझे पता नहीं है, आई डू नॉट नो, लेकिन लाइन पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा जिसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, और ये लाइन किसके पैरेलल है? ये लाइन सी वेक्टर के पैरेलल है। अब मेरी बात को सुनिए, अब मेरी बात को सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, सुनो ध्यान से। यहां पर ध्यान देखिए, लाइन पर कहीं ना कहीं कोई पॉइंट होगा बी वेक्टर, और लाइन पैरेलल है सी वेक्टर के। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन बुद्धू और बेवकूफ बनाने वाली बात है। ये कोई इक्वेशन ऑफ लाइन है ही नहीं एक्चुअली, ये सिर्फ एक प्रोपोर्शनेट रिलेशन है। खैर जाने दो। अब सुनो मुद्दे की बात, लाइन का हर सवाल लाइन पर पॉइंट मान के होता है। ये लाइन है ही नहीं, लाइन का हर सवाल लाइन पर पॉइंट मान के होता है। मैं क्या कहना चाहता हूं समझिए, लैम्डा यहां पैरामीटर है। लैम्डा की अलग 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 वैल्यू लेने पर आपको लाइन पर अलग 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 पॉइंट मिलेंगे। बाई टेकिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा यू विल गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ दिस आर वेक्टर, एंड द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ दिस आर वेक्टर आर बेसिकली द डिफरेंट पोजिशन वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। दे रिप्रेजेंट द पोजिशन वेक्टर ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। तो लैम्डा की अलग 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 वैल्यू लेने पर आपको आर वेक्टर की अलग 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 वैल्यू मिलेगी, और ये अलग 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 वैल्यू इस लाइन पर अलग अलग पॉइंट के पोजिशन वेक्टर होगी। अब मेरी बात सुने, तो कोई ना कोई लैम्डा रखने पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी मिलेगा। कोई ना कोई भाई लैम्डा की अलग अलग वैल्यू रखने पर, अगर लाइन के ऊपर अलग अलग पॉइंट मिल रहे हैं तो कोई ना कोई लैम्डा की वैल्यू होगी जिसको रखने पर आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो मान लेते हैं कि जब लैम्डा की वैल्यू लैम्डा 1 होती है तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर दे देता है। जब लैम्डा की वैल्यू लैम्डा 1 होती है, बस ऐसे ही हर सवाल लाइन का करना है कि यार मान लो लाइन पर दो पॉइंट मानने हैं, तो एक को लैम्डा 1 से मान लो, एक को लैम्डा 2 से मान लो। ऐसे आप सुनेंगे मेरी बात को ध्यान से। तो अब मान लेते हैं बी वेक्टर प्लस लैम्डा 1 सी वेक्टर। अब सुनो ध्यान से, अगर ये परपेंडिकुलर है तो पी एफ वेक्टर का डॉट सी के साथ जीरो होना चाहिए। अगर पी एफ सही में परपेंडिकुलर है इस लाइन के, तो लाइन के परपेंडिकुलर है तो लाइन के पैरेलल वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। अगर लाइन के पैरेलल वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है तो पी एफ का डॉट इसके साथ क्या होना चाहिए? जीरो। अब आ जाइए, अब पी एफ का डॉट जीरो होना चाहिए। लिख दीजिए बी वेक्टर प्लस लैम्डा 1 सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का डॉट सी के साथ जीरो। अरे भैया, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस लैम्डा 1 सी डॉट सी जीरो। पल्ली तरफ ले आइए, लैम्डा 1 सी डॉट सी इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये मिल गई पैरामीटर की वैल्यू, यानी जब पैरामीटर की वैल्यू ये होगी। अब इसमें सी से सी काट मत देना खुशी के मारे, क्योंकि वेक्टर में कोई डिवीजन ऑपरेशन होता ही नहीं। ध्यान रखें, वेक्टर के अंदर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन होता है, वेक्टर के अंदर सब्सट्रैक्शन डिवीजन दोनों ही नहीं होता। लेकिन सब्सट्रैक्शन को चलो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस माइनस टाइम बी वेक्टर, वो थोड़ा बहुत फिर भी चल जाता है, लेकिन डिवीजन ऑपरेशन होता ही नहीं है। कभी वेक्टर एक दूसरे से कटते नहीं है,
है ना, हायर डायमेंशन में सिर्फ सुपरपोजिशन होता है। जान दीजिए मुद्दे की बात को, ध्यान रखिए कि कोई वेक्टर कभी किसी वेक्टर से कटता नहीं है, वेक्टर के अंदर कोई डिवीजन ऑपरेशन नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ही होता है, इसमें तो सब्सट्रैक्शन भी नहीं होता। लेकिन चलिए आपके छोटे दिमाग के लिए सब्सट्रैक्शन ही दोगे। अब ध्यान सुनेंगे, जब स्केलर जब लैम्डा वन ये होगा तो आपको मिलेगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर का पोजीशन वेक्टर रख दो, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर अपॉन मॉड सी का स्क्वायर होल इनटू, ये लीजिए, ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का पोजीशन वेक्टर, यही है। देखो अब यहां खुशी के मारे कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक सी से एक सी काटा, एक सी से एक सी काटा, बी से बी काटा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ए कह दिया। ऐसा मत करिएगा, न्यूमरेटर का डॉट होगा आपस में, डिनोमिनेटर का डॉट होगा आपस में, तो ये पूरी एक स्केलर क्वांटिटी निकल के आएगी। मेथड सेट है, प्लीज दिमाग का कनेक्शन कटवा दीजिए, जो मैं कह रहा हूं उसको पढ़ के आईटी निकल जाएगी, बहुत अच्छी रैंक से टॉप 50 में निकल जाओगे। दिमाग जितना कम लगाएंगे उतनी रैंक ऊपर, ज्यादा दिमाग वाले बियॉन्ड आईआईटी पहुंच जाते हैं। सुनो ध्यान से, लाइन का हर सवाल लाइन पर पॉइंट मान के होगा, क्योंकि 3D में लाइन की इक्वेशन होती ही नहीं है, तो लाइन का हर सवाल लाइन पर पॉइंट मान के होगा। लैम्डा की अलग अलग वैल्यू रखने पर आपको लाइन के ऊपर अलग अलग पॉइंट मिलेंगे, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि कोई ना कोई तो लैम्डा की वैल्यू होगी जिसको रखने पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिलेगा, लेट दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा बी लैम्डा वन। तो हमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता लग गया, बी वेक्टर प्लस लैम्डा वन सी वेक्टर। अब हम कंडीशन लगा देंगे कि अगर सही में ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट जीरो होना चाहिए, उससे लैम्डा वन आ गया, लैम्डा वन धर दीजिए, लैम्डा वन रख दीजिए, लैम्डा वन पुट कर दीजिए, मिल गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। पहले बोलो यहां तक गाड़ी पहुंची, वेरी गुड। फोड़ू है यार आप लोग, मैंने आज तक इतने इंटरनेट बच्चे अपने जीवन में नहीं पढ़ाए, पृथ्वी लोक पर मेरा आना सफल हो गया आप लोगों को पढ़ाने से। चलिए अच्छा, अब यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें, पर मेरी बीवी कहती है बहुत झूठ बोलते हो आप, खैर चलो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो आपको पी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर पता है, एफ पॉइंट का पोजिशन वेक्टर पता है, तो पी एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड सीधे आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे देगा, इसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए पहले आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, जब आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेंगे तो बात बन जाएगी। मिरर इमेज, अरे भैया मिरर इमेज ऑब्वियस सी बात है, ए वेक्टर प्लस ए डैश वेक्टर बाय टू, यही फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, तो मिरर इमेज के कोऑर्डिनेट्स या पोजीशन वेक्टर 2f वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये मिल गया आपको मिरर इमेज। तो मिरर इमेज मिल गया 2f वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये है मिरर इमेज के कोऑर्डिनेट, कोई इसमें खास बात नहीं है। ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन पी एफ कहीं भी लिख लीजिए, यहां लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पी एफ। अब आपको पी एफ लाइन की इक्वेशन लिखनी है, हमारे लिए ललुआ काम है ये, ललुआ काम है ये हमारे लिए, क्योंकि टू पॉइंट फॉर्म से हम खट से लिख सकते हैं, अगर लाइन के ऊपर दो पॉइंट पता तो लाइन की इक्वेशन पता, यहां पर दो पॉइंट पता है, पी भी पता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी पता है, तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी ए वेक्टर प्लस सम म्यू टाइम्स एफ वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये लीजिए मिल गई परपेंडिकुलर। तो चार की चारों चीजें मैंने निकलवा दी हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दिया, मिरर इमेज निकाल दी, ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल दी, पॉइंट और लाइन से खेलना आ गया। कॉपी करिए सर, ये इसी फॉर्म में अच्छा। अब हम बात करेंगे MP2 मास्टर प्रॉब्लम 2, बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं हम लोग, बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं हम लोग कि ब्रह्मांड के हर ट्रायंगल में सेंट्रियोइड, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर ये कोलिनियर होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं, और सेंट्रियोइड ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को जोड़ने वाली लाइन को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। आइए इस चीज को आज प्रूव करेंगे, बोर्ड पर देखेंगे, कुछ बातें मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान देखिए। मास्टर प्रॉब्लम 2 सुनिए ध्यान से,
इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मैं ए वेक्टर ले लेता हूं, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर ले लेता हूं, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मैं सी वेक्टर ले लेता हूं। इसका फायदा क्या हुआ, इन तीनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिया और जो सरकम सेंटर है, अब ध्यान रखें ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं एक पॉइंट को तो ओरिजिन मान ही सकता हूं, तो मैं इसके सरकम सेंटर को ओरिजिन मान लेता हूं। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर सरकम सेंटर इन्वॉल्व हो तो सरकम सेंटर को तुरंत ओरिजिन मानना चाहिए, ये मेरी बात को बिल्कुल ध्यान रखना है, यही सब बातें सीखनी है। पहला फायदा यह हुआ कि सरकम सेंटर ढूंढना नहीं पड़ा, सरकम सेंटर ओरिजिन है। इस बात को बिल्कुल रट लें, मन मंदिर में बैठा लें कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर सरकम सेंटर इन्वॉल्व है तो सरकम सेंटर को ओरिजिन मानना है। इससे क्या फायदा होगा, गजब के फायदे होंगे। पहला फायदा सरकम सेंटर पता लग गया, दूसरा फायदा देखिए, दूसरा एक नंबर का फायदा कि सरकम सेंटर से जितनी दूरी ए की होगी उतनी दूरी बी की होगी, उतनी ही दूरी सी की होगी। यानी तीसरा एक बहुत गजब का फायदा हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर सब आर हो गए, क्योंकि सरकम सेंटर से, अब सरकम सेंटर को ओरिजिन माना तो ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, ओरिजिन से इसको जोड़ने वाला वेक्टर, बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, ओरिजिन से इसको जोड़ने वाला वेक्टर, सी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, ओरिजिन से इसको जोड़ने वाला वेक्टर। तो खास बात यह हुआ कि सरकम सेंटर को ओरिजिन मानने से आपको तीनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड पता, अरे आपको तीनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड ही नहीं, इनके बीच का एंगल भी पता। इधर देखेंगे मेरे बच्चे, ऑब्वियस सी बात है ये पूरा एंगल ए हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ये पूरा एंगल बी हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ये पूरा एंगल सी हो जाएगा। अब आप लोग जानते हैं कोई भी कॉर्ड इतना एंगल सरकमफेरेंस पर सबटेंड करती है, उसका डबल सेंटर पर सबटेंड करती है। तो यहां पर भाई साहब तेरी गुरु जी, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 2c, बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल 2a, और सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल 2b। सरकम सेंटर को ओरिजिन मानने से देखिए फायदे ही फायदे हैं जीवन में, एक तो तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मैग्नीट्यूड पता, तीसरी बात हर वेक्टर के बीच में एंगल पता, वो भी ट्रायंगल के एंगल के टर्म्स में, यानी ए और बी के बीच में एंगल 2c, बी और सी के बीच में एंगल 2a, और सी और ए के बीच में एंगल 2b। इतना ही नहीं, बिना कोई मेहनत के सेंट्रियॉइड भी पता, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 3, सेंट्रियॉइड यही निकल के आएगा। अब ऑर्थो सेंटर, हो तेरी ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, अच्छा चलो देखते हैं ऑर्थो सेंटर कैसे निकलेगा, देखते हैं जीवन में। रुको रुको, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, वो तो हमको प्रूव करना है कि 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। इधर पढ़ाई पे ध्यान दो तुम, ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, अब सुनो ऑर्थो सेंटर किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ऑल्टीट्यूड का, यानी यहां से इसको परपेंडिकुलर खींचूंगा, यहां से इसको परपेंडिकुलर खींचूंगा और यहां से इसको परपेंडिकुलर खींचूंगा, तो ये ऑर्थो सेंटर है। अगर एच ऑर्थो सेंटर है तो एच वेक्टर माइनस ए वेक्टर का डॉट बी माइनस सी के साथ जीरो होना चाहिए, क्योंकि एच ए वेक्टर इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। उसी प्रकार से एच वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट सी माइनस ए भी जीरो होना चाहिए, क्योंकि एच बी इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। और उसी प्रकार से एच वेक्टर माइनस सी वेक्टर का डॉट ए माइनस बी के साथ भी जीरो होना चाहिए। अगर कोई ऐसा पॉइंट एच में ढूंढ लूं ताकि एच वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी माइनस सी भी जीरो, कोई ऐसा पॉइंट एच जो इन तीनों को सेटिस्फाई करे, वो ऑर्थो सेंटर होगा ही होगा, क्योंकि एच माइनस ए इसके परपेंडिकुलर, एच माइनस बी इसके परपेंडिकुलर, एच माइनस सी इसके परपेंडिकुलर। मेरे मन में एक विचार आ रहा है, मतलब ऐसे ही आइए एच को ए प्लस बी प्लस सी रख के देखें, अगर ए प्लस बी प्लस सी इसमें रखते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए से कट गया, बी प्लस सी बी माइनस सी बी स्क्वायर मारो, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर एच को इसमें रख दें ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी ए सेटिस्फाई कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी इसमें रख दें तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी ए प्लस बी ए प्लस, अरे ओ तेरी, यही है ऑर्थो सेंटर, रटा हुआ होना चाहिए
रटा हुआ होना चाहिए। अगर सरकम सेंटर ओरिजिन है तो ऑर्थो सेंटर ए प्लस बी प्लस सी होगा, ये रटा हुआ होना चाहिए। हमने इसको यहां से पता किया। यहां से देखिए कि ओएनजीसी से परिचित है सब बच्चे। ओएनजीसी, ओ का मतलब होता है ऑर्थो सेंटर, जी का मतलब होता है सेंट्रियॉइड और सी का मतलब होता है सरकम सेंटर। ओएनजीसी 11th क्लास के बच्चों को रटवाते हैं कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रियॉइड और सरकम सेंटर तीनों कोलिनियर होते हैं। कहने का मतलब इधर देखिए कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रियॉइड और सरकम सेंटर हमेशा कोलिनियर होंगे। जी के इधर दो लेटर और जी के इधर एक लेटर, और सेंट्रियॉइड इनको डिवाइड करेगा 2:1 के रेशियो में। तो ओ एन जी सी एक ईजी तरीका है इस चीज को याद रखने का कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रियॉइड एंड सरकम सेंटर आर ऑलवेज कोलिनियर, ऑलवेज लाइन अ सिंगल लाइन, एंड सेंट्रियॉइड डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इन द रेशियो ऑफ 2:1। और अब हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से कैसे मैं इसको प्रूव करता हूं। इसको मान लेते हैं ऑर्थो सेंटर, ये है सेंट्रियॉइड और ये है सरकम सेंटर। ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट ए प्लस बी प्लस सी हमने खुद से पता लगाए, सेंट्रियॉइड के कोऑर्डिनेट ए प्लस बी प्लस सी वाई थ्री, सरकम सेंटर ओरिजिन, देखिए आ रहा है ये 2:1 का रेशियो, 2 × this + 1 × this / 2 + 1 = centroid। तो ना सिर्फ हमने एक पुराना रिजल्ट प्रूव किया बल्कि मास्टर प्रॉब्लम 2 में एक बात समझी कि अगर सरकम सेंटर ओरिजिन होगा तो ऑर्थो सेंटर ए प्लस बी प्लस सी होगा। याद रखना है किसी भी क्वेश्चन में अगर सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर इन्वॉल्व है तो आप सरकम सेंटर को ओरिजिन मानिए, क्योंकि ज्योमेट्री के अंदर एक पॉइंट को ओरिजिन मानने की आजादी आपके पास हमेशा होती है। कॉपी कर लीजिए। आइए बात करते हैं MP3। एक मूवी भी आई थी MP3 के नाम से, मेरा पहला पहला प्यार। चलिए अपन बेटा MP2 हो गया ना, MP3 आ गया ना, अरे दो MP कहां से हुए। मेरा पहला पहला प्यार पी आ गया ना तीन बार। अरे तुम IIT नहीं, देखो फिर पी इसको है। पहला पहला प्यार तीन बार पी आ गए ना, क्या चल रहा है भैया। तुम तो निकल लो चप्पल पहन के। आइए MP3 मास्टर प्रॉब्लम 3। अब मैं आपको बहुत ही गजब की बात बताने जा रहा हूं और मैं चाहूंगा कि सब बच्चे ध्यान दें। MP3 मास्टर प्रॉब्लम 3 सुनो ध्यान से। एक छोटा सा क्वेश्चन से MP3 जन्म लेता है। आइए इस छोटे से क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन कहता है फाइंड लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू पॉइंट्स विद पोजिशन वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। उन सारे पॉइंट्स का लोकस निकालिए जो दो पॉइंट से बराबर की दूरी पर हैं, जिनके पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर है। अब यहां पर देखिए आप लोग, वैसे तो इसमें 3D भी दिखा सकते थे। अच्छा चलो अगली क्लास में कर लेंगे। देखो 3D में सोचो, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है। तो अगर आप 3D में बात करेंगे, तो अगर आप 3D में बात करेंगे तो रियल में इन दोनों पॉइंट से बराबर की दूरी पर क्या होगा, एक इनफाइनाइट प्लेन होगा जो कि इनके मिड पॉइंट से निकलेगा। देखो 3D में अगर एक पॉइंट यहां है एक पॉइंट यहां है तो इनसे बराबर की दूरी पर एक इनफाइनाइट प्लेन होगा। यहां पर हम लोग लॉजिक से कुछ बात कह सकते हैं। यहां पे हम लोग बाय लॉजिक वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं, The locus will be an the locus will be an infinite plane perpendicular to line joining A vector and B vector
एंड पासिंग थ्रू देयर मिड पॉइंट. कॉमन सेंस, कॉमन सेंस. इसको अनकॉमन सेंस कहना चाहिए. देखो जो इनफाइनाइट प्लेन होगा वो शर्तिया इसके परपेंडिकुलर होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ने लाइन के, और इनके मिड पॉइंट से पास करेगा ही करेगा, क्योंकि मिड पॉइंट भी एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों से बराबर की दूरी पर है. कॉमन सेंस से हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा होगा. आइए अब हमको निकालनी है इक्वेशन ऑफ प्लेन. अब मैं आपको पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन समझाऊंगा और सब बच्चे ध्यान देंगे. इक्वेशन ऑफ प्लेन, यहां पर 3D के अंदर तीन ही ज्योमेट्री है, वेक्टर और 3D के अंदर तीन ही ज्योमेट्री है, पॉइंट, लाइन और प्लेन. पॉइंट तो खैर पॉइंट ही है, वो तो जान ही गए, लाइन को भी जान गया, प्लेन उसके बाद खेलेंगे खुले हाथों से. अब मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं प्लेन को. मेरी बात सुने, प्लेन, प्लेन की अगर अपन कोई आपसे डेफिनेशन पूछे व्हाट इज अ प्लेन, तो प्लेन की एक जबरदस्त डेफिनेशन बहुत पहले दी थी डेस्कार्टे ने, सही डेफिनेशन दी थी. प्लेन की डेफिनेशन है इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स सच दैट इफ यू जॉइन एनी टू पॉइंट्स ऑन इट बाय अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट देन ऑल पॉइंट्स ऑन दैट लाइन सेगमेंट ऑल्सो लाई ऑन इट. जबरदस्त डेफिनेशन है. एक ऐसी ज्योमेट्री जिस पर आप किसी भी दो पॉइंट को अगर लाइन सेगमेंट से जोड़ो, किसी भी दो पॉइंट को अगर लाइन सेगमेंट से जोड़ो तो लाइन सेगमेंट का हर पॉइंट उसी ज्योमेट्री पर लाई करता है, ऐसी ज्योमेट्री को प्लेन कहते हैं. परफेक्ट डेफिनेशन. थोड़ा सोचेंगे समझ में आ जाएगा. और कोई भी ज्योमेट्री पर ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल प्लेन पर होगा. हिंदी में प्लेन को समतल कहा जाता है. समतल, समान तल हो. तल का मतलब बेसिकली स्लोप काइंड ऑफ है ना, लेकिन वो ऐसा स्लोप जैसा नहीं, डिफरेंट है उसका मीनिंग. क्या जाने दीजिए. तो ये प्लेन है. प्लेन की सिंपल सी डेफिनेशन है. कोई आपसे प्लेन की ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन पूछे तो प्लेन की ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि प्लेन इज अ ज्योमेट्री ऑन विच इफ यू ज्वाइन एनी टू पॉइंट्स बाय अ लाइन सेगमेंट देन एवरी पॉइंट ऑन दैट लाइन सेगमेंट लाइज ऑन द ज्योमेट्री इटसेल्फ. व्हेनेवर यू गेट सच अ ज्योमेट्री, सच ज्योमेट्री इज कॉल्ड प्लेन. ये तो हो गई प्लेन की डेफिनेशन. अब हम लोग आएंगे प्लेन की इक्वेशन पर. चलिए फिलहाल हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है प्लेन के डेफिनेशन पे, क्योंकि IIT में कोई वाइवा नहीं होने जा रहा. IIT में तो हमको प्लेन को डिफाइन करना पड़ेगा. तो चलिए एक प्लेन की बात करते हैं. प्लेन की बात करने के लिए एक पन्ना खराब करना पड़ता है मुझको, क्योंकि बिना पन्ना खराब करे प्लेन के बारे में नहीं बताया जा सकता. सब बच्चे इधर ध्यान देंगे. मुझे देखो, इधर उधर मत देखो, सिर्फ मुझे देखो. बोर्ड में ये डेफिनेशन लिख सकते हैं. हाँ, यही डेफिनेशन है. लिख सकते हैं, क्या मतलब है, यही परिभाषा मेरे बच्चे. अब सुनो ध्यान से. अब प्लेन की अपन को इक्वेशन निकालनी है तो एक पन्ना खराब किए बिना कभी प्लेन की इक्वेशन निकलती नहीं है. ये एक पेन है और ये पेपर है. अब सुनेंगे ध्यान से. एक पॉइंट, इस पेन की टिप को देखें, एक पॉइंट से निकलने वाले कितने प्लेन होंगे, इनफाइनाइट. क्योंकि अगर आप प्लेन पर पॉइंट को फिक्स कर दें कि इस पॉइंट से निकलने वाले प्लेन है, तो ये प्लेन मूव तो नहीं कर सकता, वरना पॉइंट से पास नहीं करेगा, लेकिन ऐसे ऐसे रोटेट जरूर कर सकता है. तो इस पॉइंट से निकलने वाले कितने प्लेन, इनफाइनाइट. यानी प्लेन पर अगर मैं पॉइंट को फिक्स कर दूं तो या इस पॉइंट से निकल, तो प्लेन मूव तो नहीं कर पाएगा लेकिन स्टिल रोटेट कर पाएगा. लेकिन अगर मैं प्लेन का नॉर्मल वेक्टर फिक्स कर दूं, क्या फिक्स कर दूं, नॉर्मल वेक्टर, मैं बोलूं इसके परपेंडिकुलर प्लेन. अब अगर प्लेन का नॉर्मल वेक्टर फिक्स हो गया तो अब प्लेन देखिए रोटेट नहीं कर सकता, क्योंकि रोटेट करेगा तो परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, लेकिन अब वो मूव जरूर कर सकता है. ऐसे स्टिल यू कैन हैव इनफाइनाइट प्लेन्स
एट डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स. अभी भी ये सारे के सारे प्लेन्स इसके परपेंडिकुलर हैं लेकिन मूव कर सकते हैं. पॉइंट को फिक्स करने से मूवमेंट रुक गई थी लेकिन रोटेशन चल रही थी, लेकिन नॉर्मल वेक्टर को फिक्स करने से रोटेशन रुक गई, मूवमेंट चल रही है. लेट अस फिक्स बोथ. इस पॉइंट से निकले और इसके परपेंडिकुलर हो तो भाई साहब एक ही प्लेन होगा बस, क्योंकि अगर मूव करेगा तो पॉइंट छूट जाएगा और रोटेट करेगा तो नॉर्मल वेक्टर छूट जाएगा. तो फिक्सिंग अ पॉइंट ऑन द प्लेन एंड फिक्सिंग नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन फिक्सेस द प्लेन, गिव्स अस अ यूनिक प्लेन. मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी. बोलो हाँ. वेरी गुड. तो यहां पर हम बोलेंगे अ यूनिक प्लेन. यूनिक का मतलब एग्जैक्ट, टली वन प्लेन. अ यूनिक प्लेन इज डिफाइंड बाय अ पॉइंट ऑन इट एंड अ नॉर्मल वेक्टर ऑफ इट. अब ध्यान रखना प्लेन पर कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट, और प्लेन के कितने नॉर्मल वेक्टर होंगे, इनफाइनाइट. ये प्लेन है तो इसके करोड़ों नॉर्मल वेक्टर हो सकते हैं और प्लेन पर करोड़ों पॉइंट हो सकते हैं. तो प्लेन की इक्वेशन बहुत तरीके से आएगी. चलिए अच्छा, यहां पर मुद्दे की बात पर हम आ जाते हैं कि अगर हमारे पास कोई प्लेन है और प्लेन पर अगर पॉइंट फिक्स कर दूं और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर फिक्स कर दूं तो प्लेन फिक्स. प्लेन तो फिक्स हो गया लेकिन मुझे तो प्लेन की इक्वेशन चाहिए. इक्वेशन का मतलब क्या है, एक ऐसा रिलेशन चाहिए जो प्लेन पर लाई करने वाला हर पॉइंट सेटिस्फाई करे और केवल प्लेन पर लाई करने वाला ही सेटिस्फाई करे. अगर इस प्लेन पर कोई भी जनरल आर वेक्टर ले लो और ए वेक्टर को आर वेक्टर से जोड़ दो तो ये नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा ही होगा. देखिए ध्यान से, ये नॉर्मल वेक्टर है, ये नॉर्मल वेक्टर है तो इस प्लेन के ये परपेंडिकुलर है. चूंकि ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो प्लेन पर लाई करने वाले हर लाइन के परपेंडिकुलर है. हर लाइन के, प्लेन पर कोई भी लाइन खींचेंगे उसके नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर ही आएगा, उसके नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर ही आएगा. तो इसके मतलब क्या हुआ, किसी भी वेक्टर का डॉट इस नॉर्मल वेक्टर के साथ जीरो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल वेक्टर विद एनी वेक्टर ऑन प्लेन इज जीरो. इसी बात का हम इस्तेमाल करेंगे कि प्लेन पर अगर कोई भी जनरल पॉइंट आर वेक्टर ले लिया, प्लेन पर अगर कोई भी जनरल पॉइंट आर वेक्टर ले लिया तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, यानी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर जीरो. ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्योंकि इसमें कोई पैरामीटर नहीं इसका यूज करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान है, ये है पॉइंट ऑन प्लेन और ये है नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन. तो अगर प्लेन पर पॉइंट पता, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर पता, प्लेन की इक्वेशन पता, आज 108 बार जाप करें इस मंत्र का. प्लेन पर पॉइंट पता, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर पता, प्लेन की इक्वेशन पता. प्लेन पर पॉइंट पता, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर पता, प्लेन की इक्वेशन पता. प्लेन पर पॉइंट पता, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर पता, प्लेन की इक्वेशन पता. आर वेक्टर माइनस पॉइंट ऑन प्लेन डॉट नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू जीरो. आर वेक्टर माइनस पॉइंट ऑन प्लेन डॉट नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू जीरो. खुशियां ही खुशियां आ गई हैं, खुशियां ही खुशियां छा गई हैं. अब ये जो प्लेन हमको निकालना था इस पर हमको पॉइंट भी पता है और नॉर्मल वेक्टर भी पता है. तो इस प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी आर वेक्टर माइनस पॉइंट ऑन प्लेन डॉट नॉर्मल वेक्टर. अब नॉर्मल वेक्टर आपकी इच्छा है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ले लें या बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ले लें. नॉर्मल वेक्टर का मतलब है प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर. तो अगर प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर ऊपर की ओर हो सकता है तो प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर नीचे की ओर भी हो सकता है, दोनों ही प्लेन के परपेंडिकुलर है. तो डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू जीरो.
ये आ गई इस लोकस की क्वेश्चन। मन में तुरंत एक बात आती है कि गुरुजी क्या अगर प्लेन नहीं पड़ते तो क्या ये लोकस नहीं निकाल पाते? निकाल लेते। आइए एक अल्टरनेट मेथड बताऊं और देखिए कि इस अल्टरनेट मेथड की अंडरस्टैंडिंग को देखिए कि इस अल्टरनेट मेथड से भी आपको यही प्लेन मिलता है। ओके, भूल जाओ प्लेन। हमको ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना है जिनकी जितनी दूरी ए वेक्टर से हो उतनी ही दूरी बी वेक्टर से हो, यानी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मॉड शुड बी इक्वल टू आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड। मॉड मतलब दूरी, वेक्टर और कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड मतलब दूरी, वेक्टर और कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड मतलब दूरी, और मॉड दिखे स्क्वायर करो। ये मॉड आपके अल्जेब्रा का मॉड नहीं है कि आर ए से बड़ा है कि ए आर से बड़ा है, ना। वेक्टर और कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड मतलब दूरी, रट ले, मॉड मतलब दूरी, और वेक्टर और कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड दिखे स्क्वायर करो, मॉड दिखे स्क्वायर करो। चलिए, तो हमको ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना है जिनकी जितनी दूरी ए वेक्टर से हो उतनी दूरी बी वेक्टर को, स्क्वायरिंग कर दीजिए मेरे बच्चे। तो आर वेक्टर स्क्वायर प्लस ए वेक्टर स्क्वायर माइनस टू टाइम्स आर डॉट ए इज इक्वल टू आर वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर माइनस टू टाइम्स आर डॉट बी। कट गया, कटना तो था ही, कटना तो था ही। चलिए आगे देखें, सबको एक साइड ले आओ तो ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस टू, या उस साइड ले आते हैं, है ना, वो ठीक रहता है। चलिए हाँ उधर ले आओ तो आ जाएगा टू टाइम्स आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस टू टाइम्स आर डॉट बी ए प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहां से टू आर वेक्टर कॉमन ले लें तो डॉट ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकल के आ जाएगा। इस चीज को आप प्लस टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट, या माइनस साइन ही ले लें बल्कि बाहर, ताकि एक ही बार में आंसर ही आ जाए। तो यहां से माइनस टाइम्स ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू जीरो कर लें, टू से डिवाइड कर दें तो आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई टू इक्वल टू जीरो आ गया। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को बाहर निकाल, अरे क्या देख लिया आज आंखों ने, ये देखिए डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन अब हम इस आंसर को इंटरप्रेट कर सकते हैं कि यह प्लेन है जो ए प्लस बी बाई टू से निकलता है और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। प्लेन की इक्वेशन बिल्कुल मानस पटल पे छप जानी चाहिए, आर वेक्टर माइनस पॉइंट ऑन प्लेन डॉट नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन। कॉपी कर लीजिए।